बीटवे वाइड और पैर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ पहला खाता खुलता हुआ जमदा का। इसी बीच अगली गेंद और ये कीपर के पास गई, एक रन माफ करिए बिना किसी रन के स्कोर बढ़ता हुआ एक रनों के साथ। इसी बीच अगली गेंद कीपर के पास बीट होते हुए स्कोर अभी भी एक रन। और ये खेलना चाहे थे और रन आउट के थे लेकिन कोई खतरा नहीं और आउट। और पहला झटका लगता हुआ जमदा शाही को, शून्य पर बिना किसी गेंद का सामना करके वापस लौटते हुए हसान। बैट्समैन नेम इरफान, नए बल्लेबाज हैं सफवान और नए बल्लेबाज है सफवान। देखना चाहे थे ले लिया, रन आउट का खतरा था, फील्डरों में तालमेल की वजह से दूसरा झटका लगने से जमदा शाही को बचा। और इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ दो रन और स्ट्राइक पर है तोहिद, देखना है क्या करते हैं। और शॉट की अगली गेंद का देखना है क्या करते हैं। और इसी बीच शॉट ने और कीपर द्वारा शानदार फील्डिंग लेकिन वाइड। स्कोर और बढ़ता हुआ तीन रन। इसी बीच अगली गेंद खेल दिया उठाकर शानदार छक्का और तोहिद देखना क्या करते हैं। और ये अगली गेंद हसन ने डिफेंस करके सुरूज भरी बल्लेबाजी एक रन। इसी बीच ओवर के समाप्ति एक ओवर के समाप्ति पर जमदा शाही का इशारा करते हैं और ये काफी बार अंपायर का इशारा वाइड, एक और अतिरिक्त रन, दो रन बिना किसी गेंद के। गेंद काफी और इसी बीच अगली गेंद खेल दिया है और मिसफील्ड हुई, दूसरा रन लेना चाहे थे साथी खिलाड़ी ने, माने कि रन आउट का चांस लेकिन खतरा टला। और इसी बीच अगली गेंद देखना है क्या करते हैं। आसान सेव करना चाहे थे और रन आउट होते हुए तालमेल की कमी की वजह से आसान रन आउट होकर वापस जाते हुए। देखना क्या करते हैं नए बल्लेबाज उनका स्थान लेने के लिए आते हुए। और आसान आते हुए नए बल्लेबाज स्थान का स्थान लेने के लिए फिर बीट हुए कीपर के पास है और रन आउट वाइड और रन आउट एक रन माना जाएगा। और एक और झटका लगता हुआ जमदा शाही को, अदनान स्ट्राइकर और एक खेल दिया है सामने से जूट के साथ, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। स्कोर है जमदा शाही का 9 रन 3 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पर है सफवान, देखना है क्या करते हैं सफवान। और एक खेल दिया है पैंट की तरफ फील्डर के पास, धीरे धीरे जाते एक रन आसानी के साथ चहल कदमी करते हुए पूरा कर लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। इसी बीच अगली गेंद देखना है क्या करते हैं और बढ़ता खेला जाए तो शानदार विकेट कीपिंग है चीते के द्वारा, शानदार विकेट कीपिंग काफी चुस्त दुरुस्त। अरे बाहर से डिसीजन ना दे। देखना क्या करते हैं। अरे तनवीर ने खेल दिया कि कुछ कर दिया, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन और स्ट्राइक पर आ चुके हैं तोहिद, देखना क्या करते हैं। अरे बीट हुए शानदार ओवर और अभी भी गेंद से अंपायर ने इशारा किया। इसी बीच अगली गेंद सफवान के लिए, सफवान बीट हुए इसी बीच ओवर के साथ थी है तनवीर। अरे तनवीर खेला जाते नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल। एक और रन बढ़ता हुआ जमदा शाही का स्कोर 13 रन। इसी बीच अगली गेंद शहर आलम बतावर के लिए खेल दिया है, अरे मिसफील होते हुए 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। देखना क्या करते हैं तनवीर, अरे बैठ पूरे तरीके से। और अगली गेंद शहर आलम के तनवीर के लिए
तनवीर ने उसे खेल दिया अगले गेंद में। अरे मिस्टर रनआउट का चांस अरे रनआउट काफी चीज दृश्य ली। साथ ही खिलाड़ी क्रीज से निकल चुके थे लेकिन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने मना किया, लेकिन जब तक वो क्रीज पर पहुंचते काफी देर हो चुका था, इसलिए उन्हें अपना विकेट गवाना पड़ा। और नए बल्लेबाज है बल्लेबाज नेम जंगा। और इसी बीच अगली गेंद तनवीर के लिए और खेल दिया सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं। चीते की तरह गेंद पर झटक रहे खिरौरा के खिलाड़ी। इसी बीच अगली गेंद खेल दिया ऐसे फील्डर के पास, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया तनवीर ने। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। अरे बाएं हाथ के गेंदबाज साहू माफ करिए बल्लेबाज साहू देखना है क्या करते हैं। अरे खेल दिया इसे एक रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे क्या करते हैं। और ये साहू तैयार होते हुए शॉट की गेंद का सामना करने के लिए। और अगली गेंद और वाइड काफी नो बॉल, एक और रन बढ़ता हुआ खिरौरा और जंदा साहू के बीच मुकाबला होता हुआ। और ये बीट हुए काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद और वाइड काफी लंबी वाइड, एक और रन बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। और ये खेल दिया उसे कीपर के बगल से गिर जाते, एक रन आसानी के पूरा कर लिया। स्ट्राइक पर आ चुके हैं तनवीर, देखना है क्या करते हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। स्ट्राइक पर हैं तनवीर, गेंदबाज हैं स्वैप, देखना है क्या करते हैं। इसी बीच अगली गेंद अरे तनवीर ने उसे डिफेंस कर दिया, एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 23 रन। एक एक रन काफी सूझबूझ से बना रहे हैं दोनों बल्लेबाज, कोई खतरा नहीं ले रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद साहू के लिए बीट हुए, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। और इसी बीच अगली गेंद साहू के लिए और बीट पूरे तरीके से बीट हुई, शानदार कीपिंग कही जाएगी। अभी तक कीपर से एक भी बॉल बीट नहीं हुई है, शानदार कीपिंग। और अगली गेंद खेल दिया साहबुद्दीन के लिए, शानदार शॉट शानदार फील्डिंग, चार रन होने वाला था लेकिन शानदार गेंद पर झटक रन। अरे अगला ओवर साहू के लिए वाइड, एक रन स्कोर करता हुआ 25 रन। बॉलर नेम जुबेर जुबेर, अरे जुबेर की अगली गेंद साहू के लिए, अरे मारना चाहे तो बीट हुई, बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने, शानदार कीपिंग। इसी बीच अगली गेंद जुबेर की साहू के लिए पूरे तरीके से बीट हुई, शानदार कीपिंग, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। एक एक रन के लिए जंदा साहू को तरसा दिया है। और इसी बीच रन आउट का चांस लेकिन मिसफील्ड हुआ बॉलर से, अगर ये पकड़ लेते तो एक और झटका जंदा साहू को लग सकता था, लेकिन सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपने अपने स्थान पर। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। और अगली गेंद तनवीर के लिए, देखना है क्या करते हैं। अरे तनवीर ने गेंद को छोड़ दिया वाइड, एक और रन बढ़ता हुआ स्कोर जाता हुआ 27 रन। और अगली गेंद तनवीर ने स्टोर किया फील्डर के पास, एक और रन दौड़ कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। साहू अगली गेंद का सामना करने के लिए खेल गया, शानदार शॉट गोली की रफ्तार से चार रन के लिए पहले बाउंड्री जंदा साहू को मिलती हुई, शानदार चौके के साथ जंदा साहू का स्कोर होता हुआ 32 रन। काफी शानदार बल्लेबाजी साहू के द्वारा। और अगली गेंद शुरू से तरफ खेल दिया है, फिर शानदार चौका, दो गेंदों पर दो चौका साहू के द्वारा, शानदार बल्लेबाजी साहू। अगली गेंद साहू कीपर के तरफ से गिर जाते एक रन, स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। इसी बीच अगली गेंद साहू के लिए, देखना साहू क्या करते हैं। साहू बीट हुए रन के लिए निकल चुके थे, और रन आउट का खतरा, लेकिन बाल बाल बचे साहू, एक रन बाल के रूप में पूरा कर लिया 38 रन स्कोर। और इसी बीच अगली गेंद और बीट हुए रन लेना चाहिए साहू, लेकिन साहू खिलाड़ी ने मना किया। और स्कोर अभी भी 38 रन। इसी बीच अगली गेंद तनवीर के, तनवीर ने खेल लिया सीधा,
अरे छह रनों के लिए बल्लेबाज ने बच्चन और जुर तरीके से बूट हुए खेल दिया है उसको चारों तरफ एक रन से आगे दूसरा लेना चाहे थे लेकिन नहीं लिया इसी बीच उधर के साथ छह शॉट के लिए देखना क्या करते हैं और खेलना चाहेंगे शॉट करने लगे पूरी तरीके से बीट हुए शानदार विकेट कीपिंग आरिफ कीपर के द्वारा इसी बीच अगली गेंद और रिवर्स खेलना चाहे थे और फिर बीट हुए दो गेंदों पर संघर्ष करते हुए को रन ने इनका स्टांस बहुत अजीब तरीके का स्टांस ऐसा लग रहा है शिवनारायण चंद्र को और ये कैच का चांस था लेकिन बीट हुए शानदार फील्डिंग कही होगी जनता साहब की सभी फील्डर चीते की तरह के ऊपर झपटते हुए स्कोर बढ़ता हुआ एक रनों के साथ किरोया का खाता खुलता हुआ और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं हारिस देखना हारिस क्या करते हैं और एक बीट हुए शानदार कीपिंग स्टंपिंग गेट पे लेकिन कोई नुकसान नहीं अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं स्कोर अभी भी एक रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर सीरीज अगली गेम और इसके लिए पूरी तरीके से बीट किया शानदार कीपिंग कही जाएगी एक एक रनों के लिए खेलने का काफी संघर्ष करना पड़ रहा है और इसी बीच अगली गेट के हाथ में काफी खराब कॉल बल्लेबाज के द्वारा शानदार फील्डिंग जमदस अगली गेट देखना क्या कहते हैं शॉट और ये खेलना चाहिए थे मैच में करे चार रन के लिए खेल दिया है शॉट काफी अजीब गरीब स्टांस है इनके हुआ को मिलता हुआ स्कोर करता हुआ और रेस खेलना चाहे थे एक रनों के लिए स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे देखना क्या करते हैं और रिवर्स खेलना चाहे थे पूरा कर लिया और इसको और अगली गेंद चल 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 भाई दीदा दीदा भाई और अगली गेंद और चार फील्डर के पास शॉट ने तेरह ने बॉलर ने और वो खेल दिया गेंद को शानदार चक्का ऐसा अजीब गरीब साइड के लिए किसी को कुछ समझ नहीं और बल्लेबाज तैयार नहीं सलमान के सर्व के लिए और खेल दिया है फिर उसी तरह फिर शानदार चौका के लिए चंदा साई के पैरों में सारे फील्डरों को लेकर साइड पे लगा दिया लेकिन सालिम का ओवर सर आलम के लिए और सर आलम ने खेल दिया कीपर के पास रन लेना चाहते थे सोएब लेकिन सर आलम ने मना किया पैरों में कोई नुकसान नहीं अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पर है सालिम के खेला जाए तो कीपर के फील्ड लेकिन स्लिप में गेट को फेल कर और उसी तरह खेला है तो कीपर से बीट हुई एक रन लेना चाहे तो वाइड बॉल लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया स्कोर तीन एक रन में चित्र जीवन करता हुआ 17 रन और सालिम के अगली गेट सेव के लिए बैठ कर खेला था वाइड नो बॉल नो बॉल इन और एक अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन एक इसी बीच अगली गेट सालिम के सेव के लिए देखना शॉट क्या करते हैं शॉट फिर उसी दिशा में खेलना चाहते बीट हुए कई रन में अगले गेंद खेलना चाहे तो कई रन में काफी शानदार गेंदबाजी शानदार गेंदिंग कही जाएगी सालिम के द्वारा और अगली गेंद और तीन बॉल हो गए और खेल दिया लेग साइड की तरफ फील्डर के पास चांस है रन आउट चलो अंपायर के इशारे पर बॉल क्योंकि बॉलिंग करने से तारीफ और सुलेमान 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 और आरिफ एक कोर में इसी बीच अगली गेंद देखना क्या करते हैं अरशद और उनके शरीर को छुआ और एक रन बाई के रूप में पूरा कर लिया इन एक रनों के साथ इसको क्या करते हैं और चांस लेकिन कोई नुकसान नहीं क्योंकि सुरक्षित बल्लेबाज और के हाथ में ऐसा लगा चौका लेकिन चौका क्या करते हैं अरे चांस मुश्किल दूसरा लेना चाहे थे लेकिन नहीं लिया खतरा टला अरे अगले गेट अरे खेल दिया और इसी बीच और
एक रन दूसरा लेना चाहते हैं लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया है। अगली जो देखना है क्या करते हैं और खेल दिया बढ़कर फील्डर के पास एक रन दूसरा लेना चाहते थे लेकिन मना किया है। अगली जो देखना है क्या करते हैं और ये एक रन पूरा कर लिया दूसरा लेना भगना क्या करते हैं और अरवाज ने गेट को करना चाहे थे लेकिन चैंड की तरफ से एक रन और पूरा कर लिया उनके लिए। चलो चलो आराम से चलो। शालिम का शानदार ओवर शानदार सफलता दिलाई थी टीम को और जुबेर एक रन चुरा लिया रन आउट का खतरा था लेकिन खतरा का सामना करने जुबेर तैयार बैट्समैन से देखना क्या करते हैं चुरा लिया पिस्टर है देखना क्या होता है इससे बीच अगले गेट अरे बल्लेबाज ने खेल दिया है कैसा लगा चार होगा लेकिन वो खेल हुआ रनों के साथ 31 रन स्ट्राइक पर आ गया अरबाज और खेलना चाहिए टकरा कर थोड़ा बात क्या करते हैं इसी बीच अगले अहमद की अरबाज को बदना इरफान क्या करते हैं चार रनों के लिए पास जारी जो यहाँ पे आ जाए पटेल और सुहेल इरफान इरफान अगर के साथ दीपक तैयार महसूस करना होता है लेकिन बीट हुए और अगले गेट दीपक से खेल दिया है फील्डर के पास एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया स्कोर बना है इरफान देखना है क्या करते हैं और खेल दिया राहुल ने फील्डर के पास शानदार फील्डिंग और इस बीच अगले राहुल के लिए खेल दिया राहुल ने फील्डर के पास एक रन आसानी के साथ स्ट्राइक करा चुके हैं दीपक एबीडी हेटो का सामना करने के लिए और दीपक ने खेल दिया इसे स्टेयर की तरफ एक रन के लिए स्कोर धीरे धीरे बढ़ते हैं राहुल क्या करते हैं अरे बिल्कुल खेल दिया शानदार चौका दो फील्डरों के बीच से निकलती है नो बॉल और चौका पास और फिर अगली गेट के बिल्कुल खेल दिया एक रन के लिए आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया सुहेल संपर्क कोशिश करें और अगली गेट देखकर ने सेव कर दिया और अंपायर जेल से बताया क्या बाहर से देखना है अमन क्या करते हैं सामना करने के लिए अरे कुछ करना चाहते बीट रन और अगली गेंद अमन के लिए अमन ने खेल दिया पूरा कर लिया रन आउट का खतरा और इसी बीच अगले राहुल के लिए खेल दिया राहुल ने एक रन आसानी के साथ और मराज की गेंद का सामना करने के लिए तो अमन बीट हुए कीपर भी बीट हुए रन बाइक रखने दोनों तक ने पूरा कर लिया चौका लेकिन चार ने दर अमन राहुल करते हैं और स्कोर करता हुआ बल्लेबाज है राम आशीष देखना है क्या करते हैं और अगली गेंद राहुल के लिए अभी राहुल ओपनिंग से डटे हुए हैं फील्ड पे देखना है क्या करते हैं एबीडी की अगली गेंद राहुल के लिए राहुल तैयार होते हुए ऐसा लग रहा है कोई बड़ा सार खेलने के मूड में इसी बीच अगली गेंद खेल दिया उसे सीधा कमेटी बॉक्स की तरफ गिर आते हुए लेकिन फील्डर ने रोक लिया एक रनों के लिए इन एक रन एबीडी की गेंद का देखना क्या करते हैं शानदार ड्राइव है कोई लवली साहब चार रनों के लिए शानदार और अगले गेंद एबीडी के राम आशीष के लिए पूरे तरीके से बैठे वाइड एबीडी के राहुल के लिए लेग साइड की तरफ वाइड एक और अतिरिक्त रन मिल गया नुमान जी और इसी बीच अगली गेंद खेल दिया सीधा कमेटी बॉक्स की तरफ हमारे स्कोर स्कोरर आयत निशान
मशीन साइकिल के इधर और ये बाइक के रूप में करो इसी भी साइकिल के तरह मशीन के लिए वीडियो की और क्लीन बोल्ड हो गए पूरी साइकिल के लिए वीडियो की सर्किट के लिए करना चाहते हैं पिच में एक रन दौड़ के दोनों बल्लेबाज ना क्या करते हैं तो शाकिब खेला जाए तो पूरी तरीके से बूट हो काफी लेट ग्राउंड 35 रनों पर है अगली गेंद पर खेला जा रही है।